नमस्कार, आप देख रहे हैं यूनिवर्सल न्यूज़ टाइमलाइन और मैं हूं रवि शर्मा। अक्सर सुर्खियों में रहने वाला गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू एक बार फिर सुर्खियों में है। आपको बता दें कि लोग पूरे जम्मू संभाग की बात करें तो जीएमसी जम्मू में अपना इलाज करवाने के लिए आते हैं, क्योंकि इलाज की हर किसी को ज़रूरत होती है, चाहे वो गरीब हो चाहे वो अमीर हो। लेकिन क्या जीएमसी जम्मू में गरीबों का भी इलाज होता है या नहीं, इस सब पर हम आपको एक रिपोर्ट दिखाएंगे। मामला जीएमसी जम्मू का है, जहां पर एक शख्स जो है वो अपनी बीवी के साथ यहां पर आता है, उसको इंजरी है, वो ऑपरेट करवाता है यहां पर और उसके बाद जीएमसी जम्मू में आता है तो वहां पर उन्हें बेड नहीं दिया जाता, जहां पर वो एक खुले बाहर दो दिन से वो खुले में वहां पर रह रहा है और उसको बेड प्रोवाइड नहीं किया जाता, क्योंकि उसके कपड़े गंदे हैं और वो गरीब है, इसलिए उसको यहां पर बेड प्रोवाइड नहीं किया गया। सबसे पहले आपको ये विजुअल दिखाते हैं कि किस तरह से वो लोग जो हैं वो बाहर पड़े हुए हैं। ये क्या हो गया? कोई फायदा नहीं कर रहा है क्या? ये समूचा हॉस्पिटल में जितना भी आदमी मर जाए, ये सब ने चार को पांच को छह को मिल करके। जी हाँ, देखा आपने कि किस तरह से ये गरीब लोग जो हैं ये दो दिन से वार्ड के बाहर ही पड़े हुए हैं और जब इनसे बात हुई तो इन्होंने कहा कि अभी बेड खाली नहीं है। डॉक्टर साहब ये बात बोल रहे हैं कि बेड खाली नहीं है, जैसे ही बेड खाली होगा तो आपको बेड जो है वो प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। लेकिन हम एक तरफ नहीं जाना चाहते थे और यूनिवर्सल न्यूज़ टाइमलाइन की जो टीम थी उसके द्वारा स्पाइनल वार्ड का दौरा किया गया, क्योंकि ये पेशेंट जो था वो स्पाइनल पेशेंट था और स्पाइनल वार्ड का जब हमने दौरा किया तो आपको दिखाते हैं कि वाकई वहाँ पर बेड खाली थे, लेकिन डॉक्टरों की लापरवाही और जीएमसी प्रशासन की लापरवाही साफ तौर से दिखी कि झूठ उनके साथ बोला गया कि बेड खाली नहीं। आइए आपको दिखाते हैं स्पाइनल वार्ड के दृश्य की किस तरह से वहां पर बेड जो है वो खाली पड़े हुए हैं। देखा आपने कि किस तरह से गरीब शख्स जो है वो परेशान है, लेकिन जीएमसी जम्मू के डॉक्टर जो हैं उनको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ पर ऐसा लगता है कि सिर्फ अमीरों का इलाज होता है और गरीबों को यहाँ पर नज़रअंदाज कर दिया जाता है, क्योंकि उनके कपड़े ख़राब होते हैं, उनकी जेबों में इतने पैसे नहीं होते। अक्सर विवाद जो हैं वो होते हैं और सवाल उठते हैं जीएमसी प्रशासन पर और जीएमसी प्रशासन जो है वो पल्ला झाड़ देता है कि गलती हमारी नहीं है। लेकिन यहाँ पर साफ तौर से आपने देखा कि किस तरह से वार्ड में बेड भी खाली हैं, लेकिन दो दिन से एक पेशेंट जो है क्योंकि वो गरीब है, वो बेसहारा है और वो बाहर पड़ा हुआ है, उसको बेड प्रोवाइड नहीं किया गया। कुछ लोगों से हम यहाँ पर बात करेंगे। सर, क्या कहेंगे जिस तरह से दो दिन से एक मरीज बाहर पड़ा रहता है, उनको बेड नहीं दिया जाता, अंदर हमारी टीम जाती है, वहाँ देखें बेड खाली पड़े हुए हैं लेकिन गरीब को बेड नहीं दिया जा रहा, क्या कहेंगे आप? मैं तो सबसे पहले ये कहना चाहूँगा कि इतना बड़ा जम्मू का हॉस्पिटल, जम्मू प्रोविंस का एकमात्र हॉस्पिटल है और जो बद से बदतर स्थिति इस हॉस्पिटल की हो चुकी है तो जहाँ पे तो ताला लगा देना चाहिए, या फिर जहाँ पे लिख देना चाहिए दिस हॉस्पिटल ओनली फॉर वीआईपीज, क्योंकि हमने 15 साल से जहाँ पे देख रहे हैं कि जो अनअटेंडेंट पेशेंट आता है उसके कपड़े देखे जाते हैं, उसका रहन सहन देखा जाता है, उसके जूते देखे जाते हैं, उसकी जेब की तरफ देखा जाता है, इस हिसाब से जहाँ पे ट्रीटमेंट किया जाता है। तो ये जो स्वास्थ्य सेवा लेना हर किसी का फंडामेंटल राइट है, क्या वो मिलिटेंट भी जहाँ पे ट्रीटमेंट करवाते हैं, अच्छा वीआईपी ट्रीटमेंट, सेपरेटिस्ट लीडर भी करवाते हैं जहाँ पे, लेकिन बाकी लोग भी करवाते हैं, ये क्या कारण है कि जहाँ पे पेशेंट नीचे ज़मीन पर पड़ा हुआ है और उसको शायद एक शिकंजा टाइप लगा है, उसका ऑपरेशन हुआ था और उसके साथ एक बाबा जी भी हैं जो उसकी सेवा करते हैं, काफ़ी दिनों से हम
देख रहे हैं उसके, लेकिन एक एक्सक्यूज दिया जाता है कि जहाँ पे बैटरी वो बेड अवेलेबल नहीं है, लेकिन वहाँ पे बेड हैं, वो किसके लिए रखे हैं, वीआईपी के लिए रखे हैं या किसी को ओबलाइज करने के लिए रखे हैं। कुछ दिन पहले की बात करें तो आपसे हमने बातचीत इसलिए करी है कि आप यहाँ पर हंगर स्ट्राइक पर भी चले गए थे, पेशेंट्स की परेशानी को लेकर कुछ मसले थे यहाँ पर, उनको लेकर बाद में आपका अनशन तुड़वा दिया गया था। तो क्या आपको लगता है कि इस जीएमसी के हालात सुधरेंगे और प्रशासन इतना लापरवाह कैसे हो जाता है, फिर जब सवाल उठते हैं तो प्रशासन कहता है कि सवाल यहाँ पर उठाए जा रहे हैं। लेकिन इसमें मैं यही कहूँगा कि क्या करें, शर्म हमें आती नहीं, क्या करें, शर्म हमें आती नहीं। इतना जितना मर्जी इनका सोशल मीडिया में चला के देख लो, नेशनल मीडिया में चला के देख लो, प्रिंट मीडिया में रोज़ इनके खिलाफ कोई ना कोई खबर होती है, लेकिन इनके कान में जूं तक नहीं रेंगती। पता नहीं कौन सा आशीर्वाद इनको प्राप्त है किसका। शुक्रिया जी। हाँ, आपको बता दें कि ये वो शख्स थे जिन्होंने कुछ दिन पहले यहाँ पर जो पेशेंट्स आते थे उनकी परेशानी जो थी वो देखी, और उसके बाद ये यहाँ पर भूख हड़ताल पर बैठे। और सबसे बड़ा सवाल, जिस तरह से हमने आपको दिखाया कि एक गरीब शख्स जिसके कपड़े जो हैं वो ख़राब हैं और वो गरीब है इसलिए उसको यहाँ पर बैठ नहीं दिया गया, और जीएमसी प्रशासन पर अक्सर सवाल उठते हैं लेकिन सवालों से पल्ला जीएमसी प्रशासन झाड़ लेता, और अगर हमारी आवाज़ और ये तस्वीरें ये प्रशासन तक पहुँचती हैं तो क्या इस व्यक्ति को बेड मिलता है या नहीं, और जो जीएमसी के अंदर इस समय हालात चल रहे हैं क्या वो हालात ठीक होते हैं या नहीं, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। रवि शर्मा, यूनिवर्सल न्यूज़ टाइमलाइन, जम्मू।